हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी प्लेइंग 11 पर। आज हम बात करने जा रहे हैं जो अभी अभी आज फिफा लीग वुमेंस की जो बास्केटबॉल लीग स्टार्ट हुई है उसके बारे में, जो आज जापान वर्सेज इंडिया वुमेंस के बीच जो मैच होने वाला है बास्केटबॉल का, उस मैच के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्लेयर को आप पिक करके चले, कोई प्लेयर को ड्रॉप करके चले, कौन सा प्लेयर आपके लिए कैप्टन या कौन सा प्लेयर आपके लिए वॉइस कैप्टन के लिए सही रहेगा। साथ ही साथ हम आपको इस मैच की ड्रीम टीम भी बनाकर दिखाएंगे और इस मैच के कॉन्टेस्ट यानी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस मैच के कॉन्टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आप 11 रुपये से एंट्री कर सकते हैं और 1 लाख रुपये पैसे विन कर सकते हैं। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 11 टीमें लगा सकते हैं और हम दोस्तों आपको जो टेलीग्राम पर टीम प्रोवाइड करवाएंगे उसमें आपकी अच्छी खासी रैंक आने वाली है, इसलिए हमारे लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम आपको यूट्यूब पर कोई भी टीम प्रोवाइड नहीं करवा सकते, हम आपको सिर्फ टेलीग्राम पर ही टीम प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसलिए टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ, हम आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट टीम प्रोवाइड, बेस्ट से बेस्ट ग्रैंड लीग की टीम प्रोवाइड करवा देंगे। और आप हमें कमेंट सेशन के द्वारा बता भी सकते हैं आपको 11 में से कितनी टीम चाहिए, आपको स्मॉल लीग के लिए टीम चाहिए या ग्रैंड लीग के लिए टीम चाहिए। वैसे हम 6 ग्रैंड लीग की टीम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप हमें उस हिसाब से कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। दोनों टीमों के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो दोनों टीमों का दोस्तों इस लीग में आज का पहला मुकाबला होने वाला है, क्योंकि ये लीग आज स्टार्ट हुई है। तो हमने दोनों जापान में से 5 और इंडिया में से 3 पर लेकर चलने वाले हैं, क्योंकि जापान में थोड़े ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इंडिया में थोड़े कम एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, नए प्लेयरों को ज़्यादा मौका दिया गया, इसलिए हम अपनी टीम में जापान में से थोड़े 2 प्लेयर ज़्यादा लेकर चलने वाले हैं। हमने यहाँ पर 5 और 3 का कॉम्बिनेशन लेकर चलने वाले हैं। तो ड्रीम टीम के बारे में बात करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन से रिलेटेड हर रोज़ वीडियो प्रोवाइड करवाते रहते हैं। बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर दोस्तों हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और हाँ, अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। तो ड्रीम टीम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एज ए पॉइंट गार्ड हम किन को लेकर चलने वाले हैं, तो जापान के नागाता को हम अपनी टीम में सबसे पहले एज ए पॉइंट गार्ड के रूप में लेकर चलने वाले हैं। 83 क्लब इनका सेलेक्टेड, 84 क्लब के दोस्तों। और इनके करियर के बारे में बात करें तो 135 मैचेज अभी तक इन्होंने प्ले कर रखे हैं। तो जापान के सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है जगाटा, तो आप अपनी टीम में इनको ग्रैंड लीग टीम में एज ए पॉइंट गार्ड के रूप में आपके पास अच्छा खासा ऑप्शन होने वाले, तो आप अपनी टीम में इनको जरूर लेकर चलिएगा एज ए दोस्तों पॉइंट गार्ड के रूप में। बात करते हैं इंडिया के प्लेयर मसिल आमनी के बारे में, जो कि इंडिया की पॉइंट गार्ड प्लेयर है, उनको हम टीम में एज पॉइंट गार्ड लेकर चलने वाले दोस्तों। 72 क्लब इनका सेलेक्टिव परसेंट है। पॉइंट लेवल हमारे पास इन प्लेयरों का किसी का भी नहीं है, क्योंकि ये लीग आज ही स्टार्ट होने वाली है, तो इसलिए हमारे पास इनका पॉइंट लेवल नहीं है दोस्तों। अगर हम बात करें मलेशामी के बारे में, तो मसीलामणि दोस्तों एक अच्छी खासी इंडियन प्लेयर, पॉइंट गार्ड प्लेयर है, तो आपके पास अच्छा खासा 72 क्लब इनका सेलेक्टेड परसेंट है। करियर के बारे में बात करें तो 119 मैच अभी तक प्ले कर रखे हैं, तो हर मैच में दोस्तों यार 20 से 35 के बीच पॉइंट कवर करती है, तो आपके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन होने वाली है एज ए पॉइंट गार्ड के रूप में, आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में इनको जरूर मौका दे सकते हैं। बात करते हैं शूटिंग गार्ड के बारे में, तो शूटिंग गार्ड में अपनी टीम में वी यादव को अपनी टीम में, जो कि 82 क्लब इनका सेलेक्टिव परसेंट है। करियर के बारे में बात करें दोस्तों, तो करियर में अभी तक इन्होंने 121 यानी 121 मैच प्ले कर रखे हैं। तो दोस्तों इस प्लेयर के बारे में बात करें तो 25 से ऊपर पॉइंट कवर करती है दोस्तों, करियर में इनका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, तो इंडिया की तरफ से आप अपनी टीम में इनको एज ए शूटिंग गार्ड के रूप में ग्रैंड लीग में जरूर मौका दे सकते हैं, आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है। बात करते हैं नेमोटो के बारे में, जो कि जापान की खिलाड़ी है, उनको भी आप अपनी टीम में एज ए शूटिंग गार्ड जरूर लेकर चलिए दोस्तों। लग देख सकते हैं आप 70 क्लब इनका सेलेक्टिव परसेंट है। करियर के बारे में बात करें दोस्तों, तो करियर में इन्होंने अभी तक 93 मैचेज प्ले कर रखे हैं, तो 93 मैचेज में एज ए शूटिंग गार्ड दोस्तों इन्होंने अपना बेस्ट से बेस्ट स्कोर दे रखा है। ये हर मैच में 15 से ऊपर पॉइंट कवर करती है, तो एक बास्केटबॉल में दोस्तों 15 से ऊपर पॉइंट कवर करना बहुत ही ज़्यादा मायने की बात होती है, तो आप अपनी टीम में ग्रैंड लीग टीम में इनको एज ए शूटिंग गार्ड के रूप में जरूर लेकर चल सकते हैं। बात करते हैं पावर स्मॉल फॉरवर्ड के बारे में, स्मॉल फॉरवर्ड में आप अपनी टीम में मियां सहिता, जो कि जापान के खिलाड़ी, उनको आप अपनी टीम में जरूर लेकर चलिए दोस्तों। आप जिनका देख सकते हैं पॉइंट, यह पॉइंट भी इनके 12.5 पॉइंट में आप अपनी टीम में इनको ले सकते हैं, क्योंकि यह पॉइंट प्लेयर के उसके ज़्यादा होते हैं जो थोड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर होता है और जो ज़्यादा अनुभवी प्लेयर, बेस्ट से बेस्ट प्लेयर के इनमें ज़्यादा पॉइंट होते हैं। तो बात करते हैं मियां सीता के बारे में, तो 77 क्लब इनका सेलेक्टिव परसेंट है दोस्तों। करियर के बारे में बात करें तो इन्होंने अभी तक 96 मैचेज प्ले कर रखे हैं, तो एज ए स्मॉल फॉरवर्ड दोस्तों आपके पास अच्छा खासा ऑप्शन होने वाली है। इनके अगर पॉइंट के बारे में बात करें तो हर मैच में दोस्तों 25 से 30 के बीच पॉइंट कवर करती करती है, तो इनके पास एक्सपीरियंस है थोड़ा जापान में कम है दोस्तों, या शुरुआती मैच में कुछ इंजरी के कारण टीम से बाहर रही थी, तो आप अपनी टीम में इनको, मई सहिता को आप अपनी टीम में एज ए
मिया सही था, तो उनको आप अपनी टीम में एज ए पावर फॉरवर्ड के रूप में जरूर मौका दे सकते हैं, आपके पास अच्छा खासा ऑप्शन होने वाले हैं। बात करते हैं रानी के बारे में, तो रानी को आप अपने जो कि इंडिया के प्लेयर है उनको आप अपनी टीम में जरूर लेकर चलिए। 80 के लगभग इनका सेलेक्ट 80% है दोस्तों। करियर के बारे में बात करें तो 118 मैच अभी तक पले कर रखे हैं, तो मैं करियर वैसे हम बात करें तो दोस्तों लगभग 25 से 35 के बीच पॉइंट कवर करती है एक मैच में। तो दोस्तों एक मैच में आप देख सकते हैं 25 से 35 एक मैच में पॉइंट कवर करना बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस का बात होती है, तो आप अपनी टीम में इनको एज ए स्मॉल फॉरवर्ड के रूप में मौका जरूर दीजिएगा। बात करते हैं पावर फॉरवर्ड के बारे में, तो पावर फॉरवर्ड में आप अपनी टीम में माउली जो कि जापान के प्लेयर है उनको आप अपनी टीम में जरूर लेकर चलिए। 81 के लगभग इनका सैलरी 80% है दोस्तों। करियर के बारे में बात करें तो करियर में इन्होंने 123 मैचेज प्ले कर रखे हैं, तो ये वो दोस्तों बहुत ही अनुभवी प्लेयर है, तो आप अपनी टीम इनको एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन भी लेकर चल सकते हैं, आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है। तो माउली के बारे में बात करें तो यह दोस्तों हर मैच में 25 से ऊपर पॉइंट कवर करती करती है, तो आपके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन होने वाला है एज ए पावर फॉरवर्ड के रूप में माउली, तो आप अपनी टीम में जरूर लेकर चलिएगा। बात करें अकाहो के बारे में जो कि जापान की सेंटर प्लेयर है उनको आप अपनी टीम में एज ए सेंटर जरूर लेकर चलिए दोस्तों। 73 के लगभग इनका सेलेक्टिव परसेंट। करियर के बारे में बात करें तो करियर में दोस्तों इन्होंने 98 मैचेज अभी तक प्ले कर रखे हैं, तो 98 मैच में दोस्तों एज ए सेंटर के रूप में है 20 से ऊपर पॉइंट कवर करती करती हैं, तो आप अपनी टीम ग्रैंड लीग टीम में इनको एज ए सेंटर के रूप में जरूर मौका दे सकते हैं, आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है, ये आपके लिए गोल्ड साबित होने वाली है। बात करते हैं दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में, तो नगाटा आपके पास एक है जापान की जो पॉइंट गार्ड प्लेयर है वो आपके पास एक अच्छा खासा दोस्तों वॉइस कैप्टन के रूप में ऑप्शन होने वाले हैं, आप इनका सेलेक्टिव परसेंट है जी वॉइस कैप्टन के रूप में दे सकते हैं। जापान की जैसा कि मैं आपको बताया तो एक्सपीरियंस सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो आप अपनी टीम में नगाटा को एज ए वॉइस कैप्टन जरूर लेकर चलिएगा। कैप्टन के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था स्मॉल फॉरवर्ड प्लेयर रानी के बारे में जो कि इंडिया की स्मॉल फॉरवर्ड प्लेयर है उनको आप अपनी टीम में एज ए कैप्टन के रूप में जरूर लेकर चलिएगा, आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है, आपके पास एक कैप्टन के लिए अच्छा खासा ऑप्शन है रानी होने वाली है, तो रानी को आप अपनी टीम में एज ए कैप्टन ग्रैंड लीग में जरूर मौका दीजिएगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हम ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन से रिलेटेड हर रोज़ वीडियो प्रोवाइड करवाते रहते हैं, और आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल दोस्तों ज्वाइन नहीं किया तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि हम आपको यूट्यूब पर कोई भी टीम प्रोवाइड नहीं करवा सकते, हम आपको सिर्फ टेलीग्राम पर बेस्ट से बेस्ट ग्रैंड लीग की टीम प्रोवाइड करवा देंगे, तो इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएँ दोस्तों।